It is an ongoing operation, I will not comment on it. Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside it. We, we don't count human casualties, we count uh, what targets have we hit or not hit. If we plan to hit the target, we hit the target. Otherwise, why would he have responded? A I, please. If we 21 चीफ बी एस धनुवा ने गर्जना भरते हुए पाकिस्तान पर फिर से एयर स्ट्राइक की बात की और पिछले एयर स्ट्राइक के सबूत दिए लेकिन राजनीतिक गलियारों में से पहले हुई पर सियासत गरमा रही है नेताओं में वार पलटवार और जमकर बयानबाजी मुझे तो लक्ष्य है कि पाकिस्तान का चार टुकड़ा करना वही है जो भी कदम उसके तरफ जाती है उसका मैं स्वागत करता हूं। उसमें क्या हुआ कितने लोग के कितना नुकसान हुआ इसमें मैं नहीं जाऊंगा एक तरफ बयान दे रहे हैं दूसरी तरफ आलोवालिया जी एक बयान दे रहे हैं अभी उनकी तमाम चुनावी वायदे जो उन्होंने गद्दारी की धोखा दिया जनता को अब आमी के कंधों पकड़कर वो उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं इससे ज्यादा आर्म्ड फोर्सेस का अपमान क्या हो सकता है अच्छा सबूत मांगते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा मान ला सबूत आ जाए तो माफी नहीं मांगनी बाटला हाउस का इनकाउंटर को गलत मानना जहां शहादत एक इंस्पेक्टर की हो जाती है और आज एयर स्ट्राइक पर देश का विश्वास नहीं करना हमारे सेना का विश्वास नहीं करना और सरकार का विश्वास नहीं करना तो ये राजनीति से प्रायोजित है अमित शाह जी के बयान से तो ऐसा लगता है जैसे यही खुद वहां पर मोर्चे पर थे हमारी बहादुर फौजें हैं वो हर परिस्थितियों का मुकाबला करना जानती हैं और मुंह तोड़ जवाब देना जानती हैं हमने अपने सत्तर वर्ष के ये आजादी के इतिहास में हर बार ये करके दिखाया है जहाँ तक इनके बयान है आप जानते हैं कि इनके बयान तमाम मंत्री और इनके जिम्मेदार लोग अलग अलग किस्म के बयान दे रहे हैं इससे ये पता चलता है कि इनको खुद ही नहीं मालूम है कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया है तो इनको देश ऐसा करारा जवाब देगा कि पूरा इन लोगों को पता चल गया है असल में जब एयर स्ट्राइक हुई बम गिरा उधर पीओके के जो आतंकी टेरर कैंप पे, तो इनको ऐसा दर्द हो रहा जैसे लगता है एकाध बम इन्हीं के ऊपर गिर गया हो तो इनको बिलबिलाने दीजिए सेना का सम्मान होना चाहिए प्रधानमंत्री की एक जिम्मेदारी बनती है एक मुल्क के सबसे बड़े नेता होने के नाते ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात का जवाब दें कि हमने अगर साढ़े तीन सौ आतंकवादियों को मारा है तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए पूरे विश्व को हम बता सकते हैं कि देखिए साहब आतंकवाद से लड़ने की लड़ाई जो है वो भारत लड़ रहा है कि हमने साढ़े तीन सौ लोगों को एक एक मुश्त तो मारा है तो ये इसका तो सबूत हमें पूरे दुनिया में देना चाहिए